सो हे एवरीबॉडी, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुपर 100 जो आपका एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या रहती है हरियाणा में। एमपी की भी हम बात करेंगे, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं सुपर 100 हरियाणा या सुपर 600 के बारे में, जो कि अब उसके पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है लेवल वन के लिए। सो लेवल वन इज नथिंग एंड सिंपल एग्जाम बेस्ड ऑन योर 9th एंड 10th क्लास सिलेबस। सो लेट मी डिस्कस। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कहोगे भैया पहले क्यों बोल रहे हो, पहले बोलने का रीजन ये है क्योंकि आप बाद में वीडियो देखो ना देखो आपको पहले बोल देता हूं ताकि आप वीडियो में बने रहो ना रहो, ये तो आप पे है, बट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली जो और वीडियोज है उनके अपडेट सबसे पहले मिली रहे। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ फ्रेंड इंट्रो। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं आपका पेपर पैटर्न। पहले तो मैं बताता हूँ आपका पेपर किस टाइप से आता है और क्या क्या उसका लेवल रहने वाला है। सो यार, सबसे पहले आपका पेपर हम डिस्कस करते हैं 2018 में किस लेवल का और कैसे आया था। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे इतनी थोड़ी बहुत मेहनत किया तो इसके लिए एक लाइक बनता है। 2018 और 19 में प्लस 2019 भी कर लीजिए, आपका पेपर आया था 240 नंबर का। ओके, टोटल थे 60 क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन का आपको 4 मिल रहे थे तो 60 × 4 दैट विल बी 240, इतने नंबर का आपका पूरा पेपर रहने वाला था। उसके बाद में आपका इसका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा रहा था, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायोलॉजी के एंड 30 क्वेश्चन आए थे आपके केमिस्ट्री के, मैथ के सॉरी। 2018 से 19 तक ये पैटर्न था आपका। इस पेपर पैटर्न में क्या होता था, आपको मैथ और बायो ये दोनों ही आपको करने पड़ते थे पेपर में, चाहे आप मेडिकल से हो चाहे नॉन मेडिकल से हो, आपको मैथ भी करना है बायो भी करना है, दोनों आपके लिए कंपलसरी थे। तो यहां से टोटल क्वेश्चन हो गए 60 क्वेश्चन, मेन वेटेज थे आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चन। ओके, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके माइनस कर लिए जाते 1/4 नंबर, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका एक नंबर माइनस किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन गलत तो एक नंबर था 2018 में, तो ऐसे था, बट 2019-20-22 में कंपटीशन बढ़ता गया और इसका पैटर्न भी चेंज होता गया, इसकी मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई और अब की बार हो सकता है और भी डिफिकल्ट हो। 2018 में सिलेक्शन हुआ था जिसके 240 में से 90 प्लस आ गए उसका, तो रेवाड़ी में सिलेक्शन हो रहा था, प्लस लेवल 2 क्लियर होना चाहिए उसका, आराम से रेवाड़ी मिल रहा था उसको, बट 2021 में ऐसा नहीं रहा। 2021 और 20 में क्या हो गया, 2021 का डिस्कस कर लेते हैं। आपका पेपर आया पूरा 320 नंबर का, 320 नंबर का, सेम पैटर्न 2020 में फॉलो हुआ था। इसमें क्या रहा था आपका, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन आपके थे केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के और 35 क्वेश्चन थे आपके आईक्यू और मैथ के, ठीक है। इसमें भी ऐसे था, चाहे मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, मैथ और बायो दोनों को करनी थी। टोटल हो गया आपके कितने क्वेश्चन, 15, 30, 40, 70 और 10, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो टोटल आपका हो गया 320 मार्क्स का पेपर, मार्क्स मिल चुके। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है
तो आपका एक नंबर भी कटेगा। एक क्वेश्चन गलत, एक नंबर कटा, ये नेगेटिव मार्किंग थी उस टाइम। लेकिन ये तो था 2021 का, जैसे ही आपका 2022 आया, कोविड सेशन आया, आपका पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पैटर्न का मतलब पेपर के नंबर उतने ही थे 320, लेकिन आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। मैथ की जगह आपके क्वेश्चन ज्यादा आने लगे आईक्यू से। 2022 में देखिए, 2022 का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें तो अब की बार क्या आएगा, और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, जो आपका पेपर हुआ था उसका पैटर्न ही चेंज हो गया। मतलब 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायोलॉजी के, और बायोलॉजी और 10 मैथ के, ये दोनों थे और में, दोनों में से जो जिसकी जो स्ट्रीम है उसको वो करना, कितने हो गए 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आए थे आपके आईक्यू से। तो यहां से आपके टोटल किस क्वेश्चन कितने हो गए, 20 30 50 और 10 60 क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 240 नंबर का आपका पेपर हुआ था पूरा। और नेगेटिव मार्किंग, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसका आपका एक नंबर काटा जाएगा। बट आपको इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली, मैथ वालों को मैथ करनी है, बायो वालों को बायो, बट आईक्यू सभी के लिए कॉमन। अब की बार सिलेबस पूरा स्पेसिफाई नहीं बताया गया है, ये 2021 कर लीजिए, 21-22 का सेशन था ये, तो इसमें तो ये रहा था पैटर्न। अब की बार क्या रह सकता है, अब की बार क्या मार्किंग स्कीम रह सकती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो यार आपने देखा हुआ 2000 जो अब की बार 22 और 23 का सेशन है उसमें क्या रहने वाला है, मेरे हिसाब से जो पिछले पैटर्न फॉलो हो रहे हैं उस पैटर्न के अनुसार क्या रहने वाला है, हो सकता है चेंज हो सकता है, अभी कोई परमानेंट गाइडलाइंस नहीं आई है तो हम परमानेंटली नहीं कह सकते, बट जस्ट अज्यूम कर सकते हैं ये पैटर्न आ सकता है। ठीक है, तो आपके यहां पे पेपर आएगा आपका मे बी 240 का आएगा, और जो पैटर्न पिछले साल फॉलो हुआ था, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 बायो के और 10 मैथ के। मैथ और बायो में आपको चॉइस है, दोनों में से कोई एक करना है आपकी स्ट्रीम के बेस पे। प्लस आपका यहां पे 30 क्वेश्चन आईक्यू के, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर साथ साथ कर रहे हो उसके साथ साथ आईक्यू भी करना पड़ेगा। अब आप कहोगे भैया आईक्यू में क्या है, आईक्यू ये नहीं भाई, आप किसी से पूछे गए पासा क्या होता है, तास क्या होते हैं, वो मैथ में ही इंक्लूड होगा, मैथ में ही इंक्लूड होगा। इसका ऐसे नहीं 40 क्वेश्चन टोटल मैथ के अलग लिखा होगा, मैथ का सेक्शन अलग होगा और आईक्यू का सेक्शन अलग होगा। जैसे सेक्शन ऐसे आते हैं, सेक्शन ए है आपका फिजिक्स, सेक्शन बी है आपका केमिस्ट्री, सेक्शन सी है आपका मैथ, सेक्शन डी है आपका बायोलॉजी, और सेक्शन ई है आपका आईक्यू। सेक्शन सी और डी में से आपको चॉइस है, बट सेक्शन ई सभी के लिए कंपलसरी है। सेक्शन ई में ऐसे करना होता है, सेक्शन ई का ऐसे हो सकता है आपके क्वेश्चन है वो 10th के मैथ से आ जाए, बट जो मैथ का पर्टिकुलर पोर्शन है, मैथ का पर्टिकुलर पोर्शन है वो आपको नहीं करना, लेकिन आईक्यू का जो मैथ का पोर्शन है वो आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, मैथ आपको करनी पड़ेगी यार। क्यों करनी पड़ेगी वो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आईक्यू में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे थे वो बायो बायो की प्रिपरेशन करके गए थे और आईक्यू की मैथ उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैथ के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो जो उनका लॉस हुआ वो आपका लॉस ना हो इस मामले से बचने के लिए आपको मैथ की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप हो सकता है लिमिटेड सिलेबस कीजिए, जो सिलेबस आपके साथ मेडिसिन स्क्रू, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उस टाइप के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ को छोड़ना नहीं है, सभी के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी आईक्यू में कंपलसरी हो गया। हो सकता है जो आपके 30 आईक्यू के क्वेश्चन उसमें 30 में से आपके 20 क्वेश्चन आईक्यू लेवल हो, प्योर रीजनिंग हो, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके आपके 10th क्लास के मैथ बेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, कोई भी स्ट्रीम वाला हो, आपको मैथ जरूर करनी है। ओके, सो ये था आपका एक छोटा सा सिलेबस
नहीं कह सकते, मार्किंग स्कीम कह लेते हैं, मार्किंग स्कीम। ओके, अब मार्किंग स्कीम का तो बात हो गया, अब नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग तो होगी यार, नेगेटिव मार्किंग में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नंबर कटेगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग की स्कीम रहने वाली है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको डीप ले चलते हैं, थोड़ा सा आपकी बार 2022-23 का सेशन है, इस सेशन में हम थोड़ा सा डीप चलते हैं ताकि आपको पता चले कि इस सेशन में क्या होने वाला है, क्या होगा। 2022 और 23 का सेशन में बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th का सिलेबस 55% आपको करना है, क्लास 9th का सिलेबस आप 45% करेंगे, 40% और ये 50%, 90% और 10th आप IQ है जो ओवरऑल सभी क्लासेस के लिए, उसके लिए आप 10% यहां पे देंगे, तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा। IQ को भी करना है, छोड़ना नहीं। अब यार आपको भैया क्लास 10 तो हमारी पड़ी गई, ये हम कर लेंगे, अरे नहीं होगा आपसे, कई बच्चे होंगे जो कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपने छोटे कल पढ़े हैं, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल ट्राई नहीं किए, तो आपको यहां पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, थ्योरी कम आएगी, तो न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है, दोनों में भी चाहे 9th हो चाहे 10th हो, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे, दूसरा जो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पढ़ाकू जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे हम न्यूमेरिकल की सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको कहा था संडे संडे को आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड मिलेगी, वो अब इस चैनल की बजाय दूसरे चैनल पे मिलेगी। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सारा जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है वो वहां पे, बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहां पे। अब हमने ये पर्टिकुलर कर दिया है क्योंकि हमें मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक ही साथ एक चैनल पे इतना सारा कंटेंट बार बार अपलोड करना, थंबनेल प्रिपेयर करनी, उनका टैग देना, उनकी डिस्क्रिप्शन डालनी, ये हमारे से कंफर्म नहीं हो रहा था। तो अब हमने मैनेजमेंट टीम हायर की है, वीडियो हम बनाएंगे, कंटेंट हम बनाएंगे, हमारा चैनल मैनेज वो करेंगे। सो ऐसा कुछ रहने वाला है, तो आप उस चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, मोर देन 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उस चैनल का बेसिक फीचर क्या रहने वाला है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको रफ कर देते हैं। उस चैनल पे या आप कह लीजिए आपकी प्रिपरेशन में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी विज्ञान त्रिवेणी है, विज्ञान त्रिवेणी आपने सभी ने सुना होगा, विज्ञान त्रिवेणी बुक है जो कि पढ़ाकू, जो कि पढ़ाकू के द्वारा ही हमारे द्वारा ही मैनेज की गई है और उसका ऑथर आप कह लीजिए मैं ही हूं। तो इस बुक में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रहा है आपकी ये बुक, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 80 रुपीज है प्राइस। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं पढ़ाकू 2018 तो आपको ये बुक मात्र मात्र 45 रुपीज में पड़ेगी, मात्र 45 रुपीज में बुक परचेज कर सकते हैं। सुपर एंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आप बच्चों से पूछ सकते हैं विज्ञान त्रिवेणी बुक से कितना कुछ आया था, क्योंकि तो बहुत थोड़ी तो है उसमें, बट थोड़ी ऐसी है जो आपको याद रह जाएगी, एनसीईआरटी की तरह सारी गाथा नहीं है उसमें। ओके, सो देखिएगा उस चैनल पे क्या होगा, विज्ञान त्रिवेणी के आपको लेसन वाइज, जो लेसन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे क्लास 9th और 10th के, 9th के नहीं हम 10th के करेंगे, वो बुक 10th के लिए है, तो 10th के आपको चैप्टर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको करवाए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में तो आपको एनिमेटेड कंटेंट मिल रहा है, आप वहां से अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, बट हिंदी मीडियम में आपको विज्ञान त्रिवेणी बुक से करवाया जाएगा पूरा डिटेल में, आपको बुक से मैं करवाऊंगा, आपको लाइव आपके सामने बुक चलेगी, बट उस बुक को परचेज करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बुक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत बच्चों ने अब तक परचेज कर लिया है, मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसकी कॉपीज बाय की है, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में है ये, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, जस्ट सॉफ्ट कॉपी है इसकी। सो ये था विज्ञान त्रिवेणी बुक के बारे में और पढ़ाकू ऑफिशियल, पढ़ाकू ऑफिशियल सॉरी, इस चैनल पे आपको इसका सारा कंटेंट मिलेगा, प्रिपरेशन आपकी वहां पे होगी, इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्तों में शेयर नहीं करते क्योंकि वो दोस्तों से जलते हैं, भाई उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं
कि अगर आप उस बच्चे को ये वीडियो शेयर करोगे तो वो आपको आपके लिए हेल्पफुल करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपके लिए वो दुआ करेगा, तो आपका पेपर भी क्लियर कहीं ना कहीं भी उसकी ब्लेसिंग आपको जरूर लगेगी और आपका पेपर 90% चांस बन जाते हैं कि आपका पेपर आप क्लियर कर सकते हो केवल ब्लेसिंग से। इसका मतलब ये नहीं ब्लेसिंग से ही, जस्ट आपका कुछ पढ़ा भी होगा 10th क्लास का तो उस बेसिस पे। और अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट का मतलब जैसे आप हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ डोनेट कर रहे हैं, जैसे आप हमें कुछ 5 रुपए 10 रुपए का हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो मैं अभी यहां पे अपनी UPI ID लिख रहा हूं, आप उस पर हमें डोनेट कर सकते हैं, ऑफिशियल भारत जैन 2004 @OKAXIS। ये UPI ID है, इस UPI ID के थ्रू आप हमें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछली बार कई बच्चों ने कहा था कि पिछली बार नहीं अभी जस्ट लास्ट 2 वीडियो में कि भैया आप अपनी UPI ID दीजिए हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, तो मैंने उनको पर्सनली कॉन्टेक्ट भी किया था। ये जस्ट अगर आप पे कोई प्रेशर नहीं, आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कहता हूं मत कीजिए। बट अगर आपका कंपेंशिएट आप हमें हम आपके हेल्प करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आप में से उन बच्चों का जो हमें स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने हमें स्पेशली डोनेट किया है पिछले इन दिनों में, तो आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो, बट कोई कंपलसरी नहीं है। सो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।